हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोशाम। टेक्नोशाम चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने पुराने टीवी को स्मार्ट टीवी में कैसे बदल सकते हैं। तो इसके लिए एक डिवाइस है गूगल क्रोमकास्ट, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कैसे हम इसको सेट कर सकते हैं और क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो ये है डिवाइस गूगल क्रोम कास्ट 2। ये डिवाइस वाईफाई नेटवर्क के थ्रू काम करती है और इसका काम क्या है, किसी भी पुराने टेलीविज़न को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना। ये वाईफाई नेटवर्क के थ्रू काम करती है और हमारे टीवी में HDMI पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी जो हमारा पुराना टीवी है उसमें कम से कम एक HDMI पोर्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। ये है डिवाइस, स्मार्ट सी डिवाइस है, आपको देख के लग रहा होगा, और ये HDMI पोर्ट पे लगा के काम होता है। इसका जो आउटपुट है HDMI आउटपुट है। ये वीडियो रेजोल्यूशन इसका जो है 1080 पिक्सल है। पावर रिक्वायरमेंट इसके लिए होती है ओनली 5 वोल्ट। और चार्जिंग कनेक्टर इसका जो है माइक्रो USB चार्जर है। कनेक्टिविटी इसकी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। ये है छोटी सी डिवाइस। तो इससे हम इजीली अपने पुराने टीवी को जिसमें कि HDMI पोर्ट है उसको स्मार्ट टीवी में चेंज कर सकते हैं। ये है इसका कनेक्टर, माइक्रो USB एक साइड और एक साइड है इसका USB। ये इसको पावर सप्लाई देने के काम में आएगा। और इसके साथ ये आया एक एडाप्टर, इसको हम एडाप्टर के थ्रू भी पावर दे सकते हैं। और दूसरा, हम अपने टीवी में अगर USB पोर्ट है तो टीवी में कनेक्ट करके उससे भी हम इसे पावर दे सकते हैं। यह है डिवाइस, देख पा रहे होगे आप। ये जो केबल है इसकी HDMI केबल है, ये टीवी के HDMI पोर्ट पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। ये HDMI, और इसका जो पावर के लिए इसका सॉकेट है माइक्रो USB केबल जो मैं आपको बता रहा था, इसको हम सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। और दूसरा एंड इसका या तो हम पावर एडाप्टर में या फिर अपने टीवी के USB पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए जो ज़रूरी है, हमारा टीवी में HDMI पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए और एक सिंपल सा मोबाइल डिवाइस होना चाहिए। इस डिवाइस का वेट 39.1 ग्राम है। चलिए फिर आप स्टार्ट करते हैं, सेटअप करके देखते हैं। ये मेरा टीवी है पुराना, इसमें आप देख पा रहे होंगे नीचे USB पोर्ट है, ये वाला USB पोर्ट है और ऊपर है HDMI पोर्ट, ये वाला है HDMI पोर्ट। अब हम डिवाइस को लेते हैं, डिवाइस का ये आप देख रहे हैं, डिवाइस का जो HDMI पोर्ट है HDMI केबल ये वाली, इसको हम टीवी के HDMI पोर्ट पे कनेक्ट कर देंगे। HDMI पोर्ट पर कनेक्ट करने के बाद जो हमारा इसके साथ पावर केबल आई थी, ये है USB, इसका एक एंड हम टीवी के USB पोर्ट पर, नीचे जो USB पोर्ट है उस पर कनेक्ट करेंगे और इससे हम डिवाइस को पावर देंगे। इसके USB केबल का दूसरा एंड है माइक्रो USB, इसको हम डिवाइस के दूसरे एंड पे कनेक्ट कर देंगे। ये देख लीजिए अब कनेक्ट हो गया। और इस डिवाइस में ये इसका डिवाइस का एक है ऑन ऑफ स्विच, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ऑन ऑफ स्विच, इसको हमने प्रेस किया, इससे हम पावर ऑन हो गई डिवाइस की। इस साइड में है ये इंडिकेटर, ये ग्लो कर रहा है, इट मींस डिवाइस ऑन हो चुकी है, सिंपली ऑन हो गई। अब हम इसके बाद देखेंगे कि हम इसमें कैसे हमें इसकी सेटिंग्स करनी है और मोबाइल को इससे कनेक्ट करना है। तो देखते हैं सेटिंग्स। टीवी पर जो आप देख रहे हो, टीवी पे वेलकम टू गेट स्टार्टेड डाउनलोड द गूगल होम ऐप, ये मैसेज आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने मोबाइल पर जाएंगे प्ले स्टोर में डायल करेंगे गूगल होम। तो गूगल होम का ये एप्लीकेशन हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करना है। ये आ गया, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे।
इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब ये इंस्टॉल हो रहा है। ये जो एप्लीकेशन है गूगल होम, ये हमें अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे। अब ये आ रहा है वेलकम होम योर। अब ये लोकेशन एक्सेस के लिए अलाउ कर दीजिए, लोकेशन एक्सेस करेगा। और इसके लिए एक चीज़ और भी ज़रूरी है, जो हमारा मोबाइल फ़ोन और हमारा गूगल क्रोमकास्ट डिवाइस दोनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होने चाहिए। अब इसने क्रोमकास्ट को फाउंड कर लिया है, आप देख पा रहे होगे इसका जो क्रोमकास्ट की है 9110। अब ये कन्फर्म करना है हमें कि हाँ यही है, तो इसको हम कन्फर्म कर देते हैं। अब ये कनेक्टिंग टू क्रोमकास्ट, योर फ़ोन और टैबलेट में डिसकनेक्ट फ्रॉम वाईफाई ड्यूरिंग सेटअप। अब ये कनेक्ट हो रहा है, सर्च कर रहा है, ये देखिए। अब ये कोड आ रहा है L9Y8, यही कोड हमारे फ़ोन पे आएगा। ये देखिए फ़ोन पे आ गया, इट मींस टीवी का कोड और हमारा जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम डिवाइस का कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आप नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बैक गार्डन, बाथरूम, मतलब हमारा टीवी जो है वो कौन से रूम में लगा हुआ है, वो हम कोई भी जो भी रूम है वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर दे देता हूँ लिविंग रूम, लिविंग रूम पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट टू वाईफाई। जैसे मेरा जो वाईफाई है बीना टोन ब्लू कलर से आपको दिख रहा होगा, इसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। अब ये देखिए टीवी पर भी आप देख रहे हो कनेक्टिंग, और हमारा फ़ोन पर भी जो स्क्रीन आप देख रहे हो कनेक्टिंग टू वाईफाई। अब ये दोनों ही लिविंग रूम टीवी कनेक्टिंग टू नेटवर्क, अब ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। गूगल क्रोम भी कनेक्ट हो गई है और हमारा फ़ोन तो कनेक्ट हो ही गया है। अब आप देख रहे हो टीवी पर ये आ रहा है रेडी टू कास्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन, टैप द कास्ट बटन फ्रॉम एनी कास्ट इनेबल्ड ऐप। मैसेज आ गया ऑलमोस्ट फिनिश। अब ये दोनों डिवाइस कनेक्ट हो चुकी हैं, हमारा टीवी स्मार्ट टीवी बन चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल पे जो गूगल या यूट्यूब या कोई भी वीडियो, ये देखिए यूट्यूब ऐप ओपन करके देखते हैं और इस यूट्यूब को हम अपने टीवी पर चला के देखेंगे। इस पे आप देख रहे हो, पहले मैं इसका जो यूट्यूब ऐप है इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया और जैसे मैंने अपना ही चैनल सेलेक्ट किया टेक्नो श्याम, तो टेक्नो श्याम के ये सारे वीडियो ये आ गया टेक्नो श्याम। इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी एक वीडियो ले लेता हूँ, सपोज ये ले लेता हूँ HTC डिज़ायर। इसको कनेक्ट करते हैं। अब आप देख रहे हो स्क्रीन पे छोटा सा ये कास्ट बटन का सिंबल आ रहा है, इसको हमें प्रेस कर देना है। जैसे ही हम इसे प्रेस करेंगे तो हमारा जो YouTube वीडियो है या कोई भी वीडियो जो हम फ़ोन पे देख रहे हैं उस पे कास्ट बटन का सिंबल अगर हमें दिखता है, अगर हम उसे प्रेस कर देते हैं तो वो बिग स्क्रीन पे यानी हमारी टीवी की स्क्रीन पर कास्ट हो जाएगा। तो इसकी जो क्वालिटी है, आउटपुट क्वालिटी HD क्वालिटी है। 8 डुअल सिम स्मार्टफोन दोस्तों, ये फ़ोन HTC में मई 2016 में इंडिया में लॉन्च किया था और ये ही मैंने पॉज कर दिया है। पॉज करते ही देखिए आप मोबाइल स्क्रीन पर भी पॉज का सिंबल आ रहा है और टीवी पे भी आ रहा है, तो इस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने वीडियोस, YouTube वीडियोस हैं या और भी कोई मूवी या सीरियल या हॉटस्टार है, बहुत सारे ऐप हैं, उनको हम अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि अगर हम अपनी मोबाइल स्क्रीन को अगर टीवी पे देखना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं स्क्रीन कास्ट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने गूगल अपने फ़ोन पे गूगल होम ऐप डाउनलोड किया था उसे ओपन करेंगे। ये आ गया, इसको हम ओपन करेंगे
और इसके लेफ्ट साइड में जो आपको तीन पॉइंट दिख रहे हैं जैसे मेनू, वहाँ पर कनेक्ट करेंगे और उसमें आएगा कास्ट स्क्रीन। कास्ट स्क्रीन पे क्लिक करते ही हमें ऑप्शन आएगा कास्ट स्क्रीन टू गूगल क्रोमकास्ट, उस पर क्लिक करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।